Assalamualaikum, hello everyone, this is me Zainab Mustafa. As you all know, welcome back to another new vlog. Uff, एक तो गर्मी है और मुझे नहीं पता कि आज हम क्या करने लगे हैं या कहाँ जाएंगे या क्या होगा, वॉट एवर. सो अभी बस ऐसा है कि अम्मी ने मुझे उठाया, उठो रेडी हो जाओ, और वो पीछे इसीलिए जो है ना खुली हुई इसलिए कि मैंने उन्हें रेडी. सो आई डोंट नो कि हम कहाँ जाने लगे हैं, बट बाहर ही जाने लगे हैं, शादी से रिलेटेड तैयारी वगैरह. मे भी हो सकता है बैंकॉक जाएँ, शॉपिंग करने जाएँ. सो आई डोंट नो कि कहाँ जाएंगे. सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं से स्टार्ट. वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग. भाई ये बैंक्वेट है, ठीक है. इस बैंक्वेट में एक बैंक्वेट नीचे भी है और एक हॉल ऊपर भी है. तो अब हमने एक बुक करवाना है, तो अब नीचे वाला लें या ऊपर वाला लें ये समझ नहीं आ रहा. इसको समझने के चक्कर में बार बार हमें इधर आना पड़ता है. डिसाइड होगा कि नीचे वाला या ऊपर वाला, तो शादी वाले दिन ही पता लगेगा कि ये बैंक्वेट था या इसके नीचे जो है वो था. सो भाई अभी का प्लान ये है कि हम शॉपिंग करने आए और मैंने सबको भेज दिया है मार्केट और मैं खुद गाड़ी में अकेले हूँ, कोई भी नहीं है. यहाँ से भी खाली है और ये देखो आगे भी सारी जो है ना खाली है. सबको मैं भेज दिया, जाओ शॉपिंग करो और मैं गाड़ी में हूँ. मतलब ऐसा है कि मैं गाड़ी में नहीं हूँ, मैं आई हूँ आप ही को पिक करने ड्राइवर के साथ, और बाकी सारी आप ही जो है शॉपिंग कर रही हैं. तो हमारे पास दिन बहुत ही कम है शॉपिंग के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी शॉपिंग खुद नहीं करूँगी, मेरी शॉपिंग मेरी आप ही करेंगी. आप सब लोगों को पता ही होगा कि मेरी शॉपिंग मैं खुद नहीं करती. तो अभी वो लोग करेंगे, शॉपिंग करेंगी, और हम ये जो है ना अब तक बैंक्वेट हमारा डिसाइड नहीं हो रहा कि हम, मतलब हम लोग बुक कर चुके हैं, बट वही मैंने जो आपको स्टोरी बताई कि एक ऊपर है एक नीचे, तो उसमें ना हम लोग कन्फ्यूज हैं कि हमें ऊपर वाला लेना चाहिए या नीचे वाला. तो अब समझ नहीं आ रहा, अब पापा ही एंड में डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा बैंक्वेट लेना चाहिए. तो शादी वाले दिन ही पता लगेगा कि हम किस बैंक्वेट में शादी रख रहे हैं. अरे इनको नीचे क्यों रख दिया. बेबी बेबी ये देखो कितना सारा सामान लिया है. सब में लाइट्स खुद डालनी पड़ेंगी. बल्ब तो जाहिर बात है खुद ही डालना पड़ेगा. ये शॉपिंग क्यों हुई है भाई. ये इतना सारा सामान लेकर आई हैं मेरी आपियां और मेरे बिना लेकर आई हैं. मैं नहीं थी इनके साथ शॉपिंग में. आ जाओ इतनी सारी शॉपिंग कर कर आई हो और मेरे लिए कुछ नहीं लिया. ये सारी शॉपिंग आप ही ने की है और मैं गई हुई थी. ये सारी शॉपिंग आप ही ने की, मैंने इसमें क्या लिया है. मतलब सुमो लिया तो है ना, शॉपिंग में सबका साथ दिया है, उसके अलावा ये चीज़ें मेरी नहीं है, इनकी शादियों की है. तो उसने क्या लिया, ग्रीन कलर का ड्रेस. तो अब वो कहाँ ड्रेस तो बनता है. अब तो मेरे ख्याल में तुम्हारे फ्रेंड को क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर, हाँ. बता भी होगा कि ग्रीन कलर तो बस के आप तुम्हारा ग्रीन कलर. अच्छा मैंने एक वाइट और ब्लैक चादर ली है जिसके लिए मैं, वो ब्लैक वाली मेरी है, वो देखी है मैंने, ठीक है. अभी डन कर दो फिर तुम. सही है पक्का, हमेशा के लिए नहीं दूंगी. हाँ सही है, थोड़ी देर के. और ये वाली लाइट्स भी ना आप ही ने लिए हैं, और ये सारा जितना भी गंद है ना, वो सॉरी गंद नहीं है गंद नहीं है, मतलब वो टेबल पे ऐसे लग रहा है गंद. दिखा क्या 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 है क्या है, जल्दी दिखा जल्दी दिखा. व्हाट इज दिस. ओ मैं दिख रही हूँ इसमें, मैं दिख रही हूँ, एक सेकंड बगल में. ओ ये मैं आ रही हूँ. और आई हैव बॉट अ स्लिपर एज वेल. कहाँ है वो स्लिपर्स. ये रहे वो स्लिपर्स. कैसे. हाँ नाइस, ये मेरे ही हैं. हाँ आपके. और एक और भी है मेरे ब्लैक कलर की. सबको पता है इस घर में जो भी चीज है वो आपकी है. कुछ नहीं का मतलब ये नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब ये होता है कि कुछ कुछ. मैंने और क्या, एक और चीज ली है. जल्दी जल्दी सारी शॉपिंग दिखाओ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जल्दी से दिखाओ. और क्या क्या. और ना ये भी लिया है, ये ना इसलिए लिया है ये लोग की मेहंदी करेंगे ना. हाँ 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 ये पत्ते वो जो मेहंदी के टाइम ऐसे करके यूँ रखते हैं और फिर वो मेहंदी लगती है. और ये इनको हटाओ. हेयर बैंड्स. हाँ ये मैंने लिए थे. काम आते हैं. ये नहीं ये नहीं दिखाने भाई, ये नहीं दिखाने. ये नहीं दिखाने. क्या है
पहना ये आप ही ने मना किया, ये नहीं दिखाना, ये छुपा दो, ये नहीं दिखाना। अब तो मैंने दिखा दिया, ये क्या है? ये सब कुछ मैं सब कुछ दिखा दूंगी भाई, सब कुछ। पर मैं बहुत चलाक हूँ, मैं अपनी चीजें बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, जो चीजें तुम लोगों की होंगी ना वो सब दिखा दूंगी। निकालो इसको, निकालो निकालो। ओहो, जाओ अब हमारे लिए चाय लेकर आओ, हम थक गए थक गए थक गए, भागो। अरे नाम से क्या है ये? देखें ये जो अपने ये जो लेकर आई है, इसको ये कर रही है यहाँ पे, हाँ सेट कर रही है कि भाई ये किस तरह से है। ये मिरर अपने लिए लेकर आई है ना, अपने जितना छोटा सा बट अच्छा लग रहा है। टूट गया अम्मी, ये रही मुझे नहीं अम्मी से नहीं टूटा, वो तुमसे ही टूटा है, अब तुम अम्मी पे लगाओगी। हटो, मैं खुद को देखूं इसमें, छोड़ो हटो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, वो इधर आओ इधर। और बताओ अपनी फजूल खर्ची आज जो कर आई हो आज, पता क्या? बस यही तो लिया है, ये तो लिए, इसके अलावा और बस बस। आज फिर तो बच्ची, आज फिर अपने कपड़ों पे एल्फी, आज फिर अपने कपड़ों पे एल्फी गिराओगे। गाइज हमारे घर में ये लोग खुद अपने कपड़ों पे एल्फी गिराते हैं, फिर बोलते हैं हमारे कपड़े खराब हो गए। बेबी बेबी आज काम कर रही है, क्योंकि मैं बाहर गई थी तो आज बेबी वो काम कर रही है जो मैं करती हूँ। मरियम बना रही है यहाँ पर चाय, और ज़्यादातर चाय जो मैं बनाती हूँ, बट आज मैं गई बाहर तो मैं थकी हुई हूँ, तो मरियम बनाने लगी चाय। ओए होए, मरियम चाय बना रही है, आज तो मज़ा आने वाला है। मरियम खुश रहो, इधर से खुश रहो, तुमसे बात नहीं कर रही, मुझे छोड़ के इतने चले गए, खुद ऊपर से मेरे लिए काम छोड़ दिया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, खुद ये सोई भी होती है फिर मुझे बोलती है हम मुझे छोड़ कर चले गए। तो ये आज की सारी शॉपिंग है, ठीक है, बाकी का व्लॉग करते हैं थोड़ी देर बाद। ये गंद बंद जितनी शॉपिंग करके रहे ना, इसको थोड़ा साइड पे करते हैं, फिर करते हैं बाकी का व्लॉग। जल्दी से मुझे चाय दो, और जो हम और सुनो तो हाँ, और जो हम जितनी कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके रहे ना, वो सामने टेबल पे जाके साफ कर दो, जाके तुम लोग को चाय तो फिर। हाँ आज भाई आज सारा काम मरियम करेंगी, तो जाओ जल्दी से जाके जो हम लेकर आए ना गंद कचरा। हाँ व्लॉग बनाने के लिए तुम नहीं थकी, और आके चाय बनाने के लिए तो तुम थकी हुई होगी, मर रही होगी। हाँ तो ऐसा ही है, काम करने के लिए इंसान थका होता है। एक सेकंड मरियम, काम करने के लिए इंसान थका होता है, तो जाके वो टेबल से सारी शॉपिंग जो है ना उठा लो, और ये सारा गंद कचरे में ना कुछ तुम्हारा है ना कुछ मेरा है, ठीक है? हम कल चलेंगे अपनी शॉपिंग करने, ओके? मम्मी अच्छा डन। हाँ हाँ डन। अब से मैं भी बाहर चलूंगी, मेरे पेपर्स हो गए। घर में बैठ बैठ के बोर हो रही हो ना, इसलिए जल्दी से चाय लाओ बस, बहुत अभी मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा भाई ये यहाँ पे पता नहीं किसका सूट है, और ये पूरे घर में पहन कर घूमेगी, उतार दो तो अच्छा है। ये जिस भी इंसान का सूट होगा ना व्लॉग में चला जाएगा, फिर मेरे को ये सुनना पड़ेगा कि तुम ना हमारी हर चीज़ व्लॉग में बता देती हो, इसीलिए जल्दी से जाके उतारो इसको। तो पब्लिक फिगर्स की हर चीज़ ऐसी ही हो तुम, ये देखा अभी पब्लिक फिगर, अभी पूरी स्टोरी बताने लगी थी, आगे पूरी कहानी बताती, और अभी बैग से लो गई गई ये गई। इधर तो आओ। वो आज आप चूड़ियाँ पहन कर चली थी, ये मैंने चूड़ियाँ पहनी थी क्योंकि हम शादी की शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ ये देखें गाइस, ये हम मेरे भी गई और मेरी सेकंड नंबर पर ये सिस्टर है, बट ये बिस्किट जो है ना वो वाले बिस्किट खाती है जो बच्चे खाते हैं। ये आ गई मेरी चाय, अम्मी किसकी पसंद है, ये ले लो वापस अपने बिस्किट्स ले लो। अरे हूँ बच्चे, ओ वाओ ये तो अच्छा लग रहा है। अरे क्या हुआ, चाय गिरने गिर गई, क्या हुआ? लो रख दिया मैंने वापस, बस ये लो अपनी थारी लाइट्स, ये लो उठाओ पकड़ो, कोई नींद में नहीं हो तुम, पकड़ो फिर गुम हो जाएंगी, फिर मुझसे पूछती रहोगी कि मैंने कहाँ रखी है वो, खुद संभालो, नहीं हो तुम
नींद में नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो नींद में, नहीं हो, नहीं नहीं थकी हो। थकी तो मैं हूँ, सारा दिन पापा के साथ ही मैं, शॉपिंग में तो मज़ा आता है। सो जाओ अब। मैंने बोला सो जाओ तो सो भी गई। इसने यहाँ पे अपने साथ लाइट्स रख दी हैं, इन्हीं के साथ सोना क्योंकि आप ही नहीं ली थी। सो यार मैं सोचू मैं कर लेती हूँ चेंज, मेरा हाल जो है ना बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। थोड़ा अपना हुलिया करते हैं सेट, फिर थोड़ा मैं करूँगी रेस्ट, उसके बाद करते हैं बाकी का ब्लॉग। मरियम आज हम आपको फिर से घर पर छोड़ के चले गए थे, कुछ आप कहना चाहती हैं ब्लॉग में? बोर हो रही थी, कोई कमेंट्स आपके? बैठी हुई अपना काम किया, क्लास ली, उसके बाद बोर होती रही होती रही होती रही, चार बार चाय बनाई, कोई नहीं था घर में, अपने लिए अलग बनाई, और फिर वो चौकीदार आ गया कि मुझे भी चाहिए, तो बस उसके लिए गरम की, और अब तीसरी बार तुम लोगों के लिए बनाई और तुम लोगों के लिए चावल भी बनाए। तो बस गाइस मैं ये बताना चाह रही थी कि मरियम कोई भी काम करती है तो वो काउंट करती है और वो पूरा का पूरा हिसाब रखती है कि मैंने कितना काम किया और कितना। ज्यादा नहीं हुआ, गई थी बाहर फार होके आई ना सिर्फ एक चाय ना बनाने के लिए, कौन सी बड़ी थी चाय, बना लेती घर बैठ के। तो बस इतनी मैं भी चलूंगी कल से, बस बहुत हो गया, तुम लोग रोज चार दिन से मुझे घर में अकेला छोड़ के जा रहे हो, एक दिन मरियम आप और कुछ दिला के भी नहीं दिया। मरियम में सब मिलेगा, सब मिलेगा रोनी, और जो है ना खुद तुम घर पर सोती रहती हो, तुम्हारा पेपर है, तुम्हारी क्लास है, पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है ना। हाँ तो वैसे इस मामले में मैं अच्छी हूँ ना, मैं देखो काम जताती नहीं। हाँ क्योंकि मैं करती ही नहीं। हाँ क्योंकि आप ही काम करती नहीं है, तो फिर वो कैसे बोलेंगे कि चलिए ये तो मुझे छोटी हो रही है, छोटी हो रही है। कोई राइस बनाने नहीं आते, मजबूरी इंसान को हर वो काम करवाती है जो वो नहीं करना चाहता। ये लो यार छोटे हो गए, मुझे छोटे हो रहे ये मेरे, मैंने उसको बोला था 37 दो, उसने 36 दे। एसी खोल लो ना भला, घर में मुझे नहीं अच्छे लग रहे और मैं उतार रही हूँ। तो शर्म नहीं आई, मुझे अच्छे नहीं लग रहे तो मैंने उतार दिए, ठीक है? पापा ने बोला नहीं, चप्पल अपने लिए लिए थे, उसको बोला 37 नहीं ना, अभी पापा ने बोला लेकर आई हो अपने लिए। अरे मुझे कब से पहनी हुई है ये, मैंने ली थोड़ी है, ये तो मेरे पास है, ये कौन पहनता? सुम्मो ये तो मेरी अपनी है, उठो हम लोग बाहर चल रहे हैं, फिर से उठो उठो उठो, सो रही हो। अगर भाई आप ही चलेंगे बाहर तो मैं जा रही हूँ बाहर, फिर से उसमें सॉन्ग कौन सा गाता है हमारे यहाँ, ठीक है? फिर हम उसमें सॉन्ग्स गए, मैंने लिए अपने लिए, मुझे ये वाले ऐसे दो पट्टी वाले। हाँ तो उसको मैंने बोला 7 नंबर 37 निकालो, 36 ये मुझे छोटे हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपके काम के नहीं रहे तो वो आप मुझे चिपका देंगे। क्यों नहीं रहे, मेरी पसंद है ये और मैं तुम्हें अपनी पसंद दे रही हूँ, बस मसला ये 36 आ गया, 37 चाहिए। चलो ठीक है मैं रख लूंगी फिर आप मैं रख लेती हूँ, बट मैं पैसे दे दो पैसे किस बात के, ये मैंने यहाँ पे उतारे, उठाओ अपनी चप्पल खुद। लोगों को फ्री की चीज ना जब फ्री में दे रही हूँ ना, अब चलो नहीं पसंद तो फिर पैसे दो। तो फिर पेमेंट किस बात का, आपने बोला पैसे देना, ये उठाओ चप्पल और जाओ जाओ। सुल्तान जैसी क्या, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ब्राइडल ड्रेसेस जो देख कर आ गई ये क्या, ये क्या है, व्हाट इज दिस सुमो बैठ, ये रस्म के लिए ली है, रस्म होती है। अच्छा ये किस तरह की रस्म होगी, होती है वो बस वो शादी में बता, दो बकरे आपस में टकर टकर कर दी तो उस टाइम ये बिछाई जाएगी। वो वाली कार में नहीं, इस वाली कार में जाएंगे। सो हम जा रहे हैं बाहर, ये मैंने अभी अभी फेस वॉश किया है, बाहर जा रहे हैं हॉल की बुकिंग कराने। एक्चुअली घर में शादी है ना, तो बस काम पे काम, काम पे काम, ये काम वो काम, ये काम वो काम, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ, अभी सुकून से घर में बैठने भी नहीं दिया। फिर पापा ने बोल दिया कि अब फिर से जाओ ये काम कर कर आओ, तो मैं आप ही अम्मी जा रहे हैं, अम्मी मैं बाहर हूँ, मैं बाहर हूँ,
मुझे ये देखो दो, हमें दूसरी भी चूड़ियाँ बन के अच्छी लग रही है। हम आए यहाँ पे हॉल बुक करवाने, बट यहाँ पे तो शादी चल रही है गाइस। तो अभी यहाँ से तो फ्री हो गए, अब जाते हैं देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग। आ चुके हैं भाई आम, और अम्मी ने आम लेना शुरू कर दिए, अम्मी के फेवरेट है आम। मैंने अभी केरी निकाली और अम्मी ने यहाँ पे जो है ना मैंगोज लेना शुरू कर दिए, वो पता ही नहीं था कि मैंगोज भी आ गए। आम आ गए, चीकू आ गए, घर वापस आ गए। सो यार गाइस, शदीद किस्म की आ रही है नींद, और मैं आज बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, और अब तो रोज़ ही थकना होगा, रोज़ ही शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, क्योंकि शादी है। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स। आई होप यू गाइस लाइक माई ब्लॉग, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे जितने भी आने वाले ब्लॉग्स हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।